آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا مع المتقين والأبرار. إبراهيم हाँ ये तो तरीका देखो पानी डालने का। हाँ क्या बात है। डेफिनेटली ये जो प्लांटेशन है या फॉरेस्टेशन जो है ये तमाम जो तरक्की याफ्ता जो कौमें हैं या जो ममालिक हैं उनके लिए एक मुनासिब मकदार में जंगलात का होना जो है वो उनकी तरक्की का ज़मीन है। और जो हम चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है या डिफॉरेस्टेशन का है जिसकी वजह से हमारा सारा एक इम्बेलेंस हमारे इन्वायरमेंट में जो आया हुआ है उसकी मेजर रीज़न यही है कि हम जिस हिसाब से डिफॉरेस्टेशन हो रही है जंगलात की कटाई हो रही है उस हिसाब से जंगलात लग रहे नहीं हैं। तो जो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया था कि हर बशर दो शजर, अगर इस पे हम तमाम कम्युनिटीज़ और तमाम जो लोग हैं इस स्लोगन के साथ अगर चलें तो यकीनन हम जो हमारी जो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट्री है बल्तिस्तान रीजन में उसको हम बेहतर बना सकते हैं। और ये बल्तिस्तान के लिए जैसा मैं अपनी स्पीच में भी जिक्र कर रहा था, कंजर्वेटर साहब ने भी उसका जिक्र किया कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं हमारे लिए बहुत हमारी इंतहाई ज़रूरत हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल है बल्तिस्तान में वो ख़ासकर सर्दियों में बिल्कुल वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी मेजर रीज़न जो है वो यहाँ पे सर्दियों में लोगों की जो माइग्रेशंस हैं इस्लामाबाद जाते हैं या दीगर इलाकों में, ख़ासकर जो हमारे एजड लोग हैं उसकी मेजर रीज़न ये है। आप उनसे भी पूछें तो उनको सांस लेने की दुश्वारी जो है ना वो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं सर्दियों में। तो ये हमारा बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज भी है और ये बड़ी हमारी रिक्वायरमेंट भी है। आप मीडिया के तवसुत से आप सबसे दोबारा भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं फ्रूट ट्रीज़ या फ्रूट नर्सरीज़ हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं या जो सदाबहार जंगलात हैं या दरख्त हैं वो तमाम जो हमारे जो आवाम हैं जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस तरफ फोकस रहें और इसमें अपने हिस्से की शमा जलाएँ। सिकरदू रीजन के अंदर हमने शजरकारी मुहिम 2022 का आज इफ्तिताह किया है और ये फर्स्ट स्टार्ट यहाँ से लिया है। इसके अलावा हमारा 17 तारीख को शिगर में है, फिर 21 को हमारा गांचे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और 23 मार्च को हमारा खरमंग डिस्ट्रिक्ट में है। टारगेट कितना फिक्स किया है? ये हमारा इधर इस साल इसके लिए 3.5 मिलियन तकरीबन 35 लाख पौधे इंशाल्लाह इस साल हम इस रामा सीज़न में हम यहाँ पर लगाएंगे। और उसके अलावा पूरा GB के अंदर 10.8 मिलियन तकरीबन 1 करोड़ से अबव पौधे हमारे इसमें लगेंगे। तो इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। 10 बिलियन ट्री सुनामी का पहले भी जिक्र हुआ कि जो प्राइवेट नर्सरियाँ हैं, लॉन्ग शूट कटिंग जो यहाँ की फेवरेट वो है, लोग तरजीह देते हैं, वो महकमा देता है काश्तकारों के लिए 50 रुपये हम इंसेंटिव भी देते हैं जो जितने वो लगाते हैं। उसके अलावा जो प्राइवेट नर्सरीज जो लगाते हैं उनके लिए भी हम फी कनाल 40,000 रुपये एक इंसेंटिव देते हैं। फिर उनसे ये एग्रीमेंट भी करते हैं कि कल आपसे ये हम पौधे दोबारा परचेज़ करेंगे ताकि उनके लिए मार्केट अवेलेबल हो और उनको मोटिवेशन हो। तो ये 10 बिलियन की एक्टिविटीज़ हमारी गिलगित बल्तिस्तान में चल रही हैं क्योंकि यहाँ सीज़न थोड़ा ऑफ था तो यहाँ पर भी अभी शुरू हुई है, बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन रही है। मैं आपके तवसुत से तमाम अवामुन्नास को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे मुतलिका ज़िली आफिसरान हैं जो फॉरेस्ट के उनसे राबिता रखें उनसे, और जो जो इस हमारा 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं जो मुफाद आम्मा के जो कंपोनेंट्स हैं उससे मुस्तफीद ज़रूर हों। और तमाम जो मीडिया के हजरात हैं हमारी इन एक्टिविटीज़ को आप हाईलाइट करें। ये नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसके जो भी एक्टिविटी होती है वो है ही पब्लिक के लिए। हम अगर ज़मीन पे पौधा लगाते हैं तो वो ज़मीन भी पब्लिक की है, पौधा भी पब्लिक का, ऑक्सीजन भी पब्लिक को देता है, अगर उसे फायरवुड आता है वो भी पब्लिक को जाता है, टिम्बर आता है वो भी पब्लिक को जाता है। हम कोई कमर्शियल हमारी लैंड्स की यूटिलिटी नहीं है, टोटली हमारी ज़मीनें और उस पर उगने वाले दरख्त और जंगल ये पूरे पब्लिक के लिए हम वो करते हैं।
तो ये एक इंतहाई एक अच्छी एक्टिविटी है फॉरेस्टेशन की। तो इसमें तमाम आवाम उन्नास हमारे शाने बशाना खड़े रहें और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। बल्दिस्तान फॉरेस्ट डिवीज़न जो सिकरदुका है उसका 14 लाख का टारगेट है, उसमें एवरग्रीन भी है, ब्रॉड लीव्ड भी है और एस्थेटिक प्लांटेशन भी शामिल है। एवरग्रीन और एस्थेटिक प्लांटेशन जो है वो हमारे अर्बन प्लांटेशन का हिस्सा है, वो उसके थ्रू हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। जो ब्रॉड लीव्ड ट्रीज़ है वो हमारी जो मेन कंपोनेंट है वो ज़मींदार हैं। हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आवाम के लिए, आवाम के थ्रू और आवाम के ज़रिए। तो ये सारा टारगेट जो है आवाम के लिए करेंगे और आवाम अपने बंजर ज़मीनों में, अपने स्पीयर ज़मीनों में दरख्त लगा के अपने ग्रीन बैंक को डेवलप कर लेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब और उनकी टीम। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान इस वक्त जो प्लांटेशन कैंपेन में अपना अहम रोल प्ले कर रही है, इस हवाले से कि हमारे पास जो एकेडमिक रोल है, अकेडमिया है, रिसर्चर हैं। लास्ट टाइम हमने सी सी टी पार्क में प्लांटेशन की T20 के नाम से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है इस गवर्नमेंट के थ्रू तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, एकेडमिया में। तो वी आर द फर्स्ट वन, हमने T20 में पहला प्लांट 5 जून को ही लगाया है। हाउएवर वी आर लुकिंग फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी कि ये T20 में बेसिकली जो स्टूडेंट है वो हर साल पौधे लगाएंगे एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वो 20 पौधे लगाने के काबिल हो जाए। और हम इंशाल्लाह इस मॉडल को आगे लेके जाएंगे कि ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है। बिसाइड्स दैट, हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की जो न्यू लैंड है जो इस वक्त तामीराती मराहिल से गुजर रही है, तो हम साथ साथ ग्रीनरी की एक्टिविटी को भी साथ कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने लास्ट 4 ईयर से प्लांटेशन का प्लान शुरू किया है, वहाँ पर प्लांटेशन भी हो रही है। समहाउ हमारी जो चैलेंजेस हैं पानी और हार्श वेदर का, हम उसको भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन एडिशन टू दैट, मिनिस्टर एग्रीकल्चर जो मैसम काजिम साहब हैं वो हमारे साथ एग्रीकल्चर के जो थीमेटिक ऑर्चर्ड्स पर भी काम करेंगे। हम इंशाल्लाह वहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स हैं जो हमारे यहाँ के जीबीके हैं, उन फ्रूट्स को हम यहाँ पे ऑर्चर्ड की शक्ल में लगाएंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमारे साथ हर साल चलता है, इस साल भी हम इंशाल्लाह सेक्टरी फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन फॉरेस्ट बल्तिस्तान सर्कल के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह कंप्लीट एक प्लांटेशन ड्राइव शुरू करेंगे।